कि आपके भी वोटर कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या फिर लिंक है वो नंबर आपके पास मौजूद नहीं है और आप उसको बदल कर दूसरा नंबर उसमें लिंक करना चाहते हो या फिर जोड़ना चाहते हो या फिर ऐड करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से अपने वोटर आईडी कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे लिंक या फिर ऐड या फिर कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है NVSP। आपके सामने नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप इस तरीके के पेज पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों इस पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसी पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन रजिस्टर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका इस पर आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो आप इसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इसका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक जो मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है, उसके बाद ये इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा, उसको उस OTP को OTP वाले सेक्शन में डाल देना। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो एक OTP वाला सेक्शन आ जाएगा, उसमें OTP को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास आपका वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आई हैव EPIC नंबर पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव EPIC नंबर पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ईमेल एड्रेस अपना डाल देना है, यहाँ पर आपको अपने एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, उस पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। पासवर्ड किस तरीके का होना चाहिए, जैसे आपका नाम अनिल मान लीजिए अनिल है, तो anil@123 इस तरीके का आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद इतने सब करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप इसी तरीके के पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम यानी अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड डाला है वो डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पर सही से फिल कर लेना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे सेल्फ और फैमिली का, तो आपको फैमिली पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर अभी फॉर्म हिंदी में, आप अपने किसी भी लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको हिंदी सबसे ऊपर दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी भाषाएं आ जाएंगी, लैंग्वेज उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम हिंदी में ही रहने देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना जिला चूज़ करना है, आपकी स्टेट ऑटोमेटिकली चूज़ होगी। अब आपको यहाँ पर अपना ज़िला चूज़ करना है, जो भी आपका ज़िला हो वो यहाँ से आकर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी विधानसभा चूज़ करनी है, जो भी आपकी विधानसभा क्षेत्र हो, संसद क्षेत्र हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका वोटर कार्ड में नाम होगा वो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा, आपकी डिटेल्स लिखकर आ जाएगी, भाग संख्या, क्रम संख्या, आपका जो पहचान पत्र होगा वो लिखकर आ जाएगा। अगर आपको केवल अपने वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना है तो उसके लिए आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक का सबसे लास्ट में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप अपना फ़ोटो वोटो बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आकर मेरा फ़ोटो पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको केवल ओनली फॉर अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो उसके लिए आपको नीचे लास्ट में लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आकर फ्रेंड्स आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा लिंक का, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका जेंडर हो, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हो आप, यहाँ से आकर आपको सेलेक्ट कर लेना है।
और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। अगर आप अपने वोटर कार्ड में अपनी ईमेल आईडी भी लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड जो अपना आप मोबाइल नंबर अपनी वोटर कार्ड से आप लिंक करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस डाल देना है, यानी स्थान, यानी आपका शहर का नाम। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा है वो आपको फिल कर लेना है और उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक रेफरेंस नंबर डाला होगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर फ्रेंड्स कहीं पर नोट करके रख लेना है या इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। उसके बाद आपको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना जो भी अभी आपने ये रेफरेंस नंबर कॉपी किया था वो यहाँ पर आपको डाल देना है, पेस्ट कर देना है और ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए सबसे पहले अभी आपकी ये एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, उसके बाद BLO अपॉइंट होगी, फिर फील वेरीफाई होगी, फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी। तो जहाँ तक आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी 99%, और जैसे ही एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका जो मोबाइल नंबर है आपके वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों टाइम लगता है, लगभग 10 दिन का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगते हैं इसमें BLO अपॉइंट और फील वेरीफाई एक्सेप्ट होने में 10 से 12 दिन लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 25 दिन लग सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से अपने वोटर कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।